दोस्तों, अगर आप भी कोई सा एक बेस्ट नॉन चाइनीज सैमसंग का ही स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आज के इस वीडियो में आपको 15 से लेकर 30,000 के बजट रेंज में आने वाले टॉप 5 बेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन को रेकमेंड करने वाला हूं, जिन्हें आप अभी बीबीडी दशहरा दिवाली सेल में परचेस कर सकते हैं। और इस बजट में कुछ ऐसे स्मार्टफोन के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आपको अभी के टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और लिस्ट में नंबर 5 पे हमने जिस स्मार्टफोन को रखा है वो है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी M35 5G। दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ना 20,000 के आसपास अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था और एक बहुत ही अच्छी स्पेक्स के साथ आता है। सेल में ये आपको आराम से अंडर 15,000 के आसपास मिल जाएगा। बात करो स्पेक्स की, तो यहाँ पर 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली एक AMOLED पैनल मिल जाती है। पंच होल वाला डिजाइन मिलने वाला है। फ्रंट में कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का सपोर्ट भी दिया गया है। देखो, स्मार्टफोन इन एंड थोड़ा सा मोटा और भारी फील हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। परफॉर्मेंस के लिए Exynos 1380 वाला प्रोसेसर मिलता है, जहाँ पर आप हार्डकोर गेमिंग तो नहीं कर सकते पर नॉर्मल डे टू डे यूजर्स में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। और सैमसंग स्मार्टफोन की मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि यहाँ पर आपको 4 साल तक के मेजर OS अपडेट भी मिलेंगे और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 के साथ भी आता है, तो लॉन्ग टर्म यूजर्स के लिए भी एक अच्छी चॉइस है। कैमरा यहाँ पर आपको बैक में 50+8+2 megapixel का ट्रिपल कैमरा मिल जाता है और फ्रंट में 13 megapixel का सेल्फी जिटर है। दोस्तों, नो डाउट अंडर 15,000 के बजट में अभी के टाइम पे ये स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है। फाइनली बात करो इसकी प्राइसिंग की, तो अभी के टाइम पे 6+120GB रोम वाला वेरियंट आपको 14999 में विदाउट एनी बैंक ऑफर और इंक्लूडिंग 13999 में मिलता है। और जब सेल नहीं रहती है तो नॉर्मली ये स्मार्टफोन 20,000 के आसपास सेल होता है। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर भी इन स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 4 पे हमने देखो 3 स्मार्टफोन को रखा है क्योंकि तीनों स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स के साथ आते हैं, तो आप इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में कंफ्यूज मत होना। पहला तो हो गया सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी M55S, दूसरा हो गया F55 और तीसरा हो गया M55। देखो, इन तीनों स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सेम डिस्प्ले, सेम प्रोसेसर, कैमरा स्पेक्स भी सेम ही देखने को मिल जाती है, तो पर्सनली मैं रेकमेंड करूं तो आप जा सकते हैं M55S 5G के साथ, जो कि अभी रिसेंटली 20,000 के अंडर लॉन्च हुआ है और एक अच्छी चॉइस है, कंसीडर आप इसे जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 वाला प्रोसेसर मिल जाता है जो कि Exynos प्रोसेसर से अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। एंड्रॉइड 14 मिलेगा, तो उसके साथ साथ 6.7 इंचेस की पंच होल वाली डिस्प्ले के साथ आने वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है। सैमसंग स्मार्टफोन है तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी जबरदस्त लेवल की मिल जाएगी। कैमरा बैक में 50+8+2 megapixel का ट्रिपल कैमरा मिलता है और फ्रंट में 50 megapixel का सेल्फी जिटर है। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस स्मार्टफोन की लगी ना वो ये है कि अंडर 20,000 के बजट में भी यहाँ पर आप फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमरे से 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और कैमरे का ऑप्टिमाइजेशन भी यहाँ पर जबरदस्त मिल जाता है। बाकी बात करें प्राइसिंग की, तो 8+128GB रोम वाला वेरियंट 19999 में मिल रहा है, इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आपको 17999 में मिल जाएगा। अगर आप F55 के साथ जाते हैं तो वो आपको 20 से 22,000 के आसपास मिलने वाला है। उसके बाद लिस्ट में नंबर 3 पे मैंने जिस स्मार्टफोन को रखा है वो है गैलेक्सी A35 5G को, जो कि नॉर्मली 30,000 के आसपास सेल होता है पर क्योंकि अभी सेल चल रही है तो आपको आराम से 25-26,000 के आसपास मिल जाएगा, जहां पर आपको परफॉर्मेंस तो मिड रेंज की मिलती है पर उसके अलावा जो यूजर एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट फ्लैगशिप लेवल का यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली AMOLED पैनल मिल जाएगी। कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस का सपोर्ट है फ्रंट में। परफॉर्मेंस के लिए Exynos 1380 वाले प्रोसेसर को यूज किया है जो कि 30,000 के अकॉर्डिंग तो देखो एक मैं कहूंगा एवरेज प्रोसेसर है। यहाँ पर सैमसंग को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए क्योंकि सेम प्रोसेसर 15,000 के अंडर भी आता है। बाकी 5000 mAh की बैटरी है, बैक में 50+8+5 megapixel का ट्रिपल कैमरा है, फ्रंट में 13 megapixel का सेल्फी शूटर है। यहाँ पर आप फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमरे से 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। IP67 का सर्टिफिकेशन भी है जो कि एक अच्छा फीचर है। बात करो प्राइसिंग की, तो 8+128GB रोम वाला वेरियंट आपको 30999 में मिल जाता है। अभी सेल चल रही है तो 25999 में आपको इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आराम से मिलने वाला है। लिस्ट में नंबर 2 पे मैंने रखा है कॉन्ट्रोवर्शियल स्मार्टफोन को, जिसे आप परचेस कर भी सकते हैं और नहीं भी। पर्सनली रेकमेंड करो तो आपको अवॉइड करना चाहिए पर क्योंकि नॉर्मली ये स्मार्टफोन 30,000 के आसपास सेल होता है पर अभी आपको 25,000 के आसपास मिल रहा है, तो आप इसे कंसिडर कर भी सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ S21 FE की, जिसे की लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 3-4 साल हो चुके हैं और आने वाले टाइम में सिर्फ आपको एक ही मेजर OS अपडेट मिलेगा। यहाँ पर 6.4 इंचेस की एक डायनेमिक AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है। ये स्मार्टफोन एक मिड साइज फॉर्म फैक्टर के साथ आता है। परफॉर्मेंस के लिए Snapdragon 888 वाला प्रोसेसर मिलता है, एंड्रॉइड 12 मिलता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बाकी 4500 mAh की बैटरी और 25W का चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगा। बैक में 12+12+8 megapixel का ट्रिपल कैमरा, फ्रंट में 32 megapixel का सेल्फी जीरो मिलता है। फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरे से आप 4K 60fps की वीडियो रिकॉर्ड यहाँ पर कर पाएंगे। एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस है सैमसंग की तरफ से आपको 25,000 के बजट में, तो जरूर आप इसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। IP68 का सर्टिफिकेशन भी दिया गया है, डुअल स्पीकर्स हैं। बात करो प्राइसिंग की, तो अभी 8+128GB रोम वाला वेरिएंट 26999 में मिल जाता है। प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा है
पर अगर आप वेट करके परचेस करेंगे तो ये नॉर्मली 25,000 के अंडर भी आराम से मिल जाता है। बाकी दोस्तों लिस्ट में नंबर 1 वाले स्मार्टफोन को बताने से पहले बात कर लेते कुछ बोनस स्मार्टफोन की, जो की आपको 20,000 से 30,000 के आसपास देखने को मिलते हैं, जो की सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी A25 5G, A23 5G, सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी F54 और M55। ये स्मार्टफोन भी अच्छे हैं, पर पर्सनली मैं रेकमेंड करूं तो जिन्हें मैंने आपको बताया उनके साथ आप जाइएगा। अभी लिस्ट में नंबर 1 पे मैंने रखा एक अल्टीमेट फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन को, जो कि सैमसंग की तरफ से आता है, अभी 30,000 के अंडर मिल जाएगा। नॉर्मली सेल में आपको 35,000 से 36,000 के आसपास ये स्मार्टफोन पड़ता है। इस स्मार्टफोन को लॉन्च ऑलमोस्ट अभी एक ही साल हुआ है, पिछले साल लॉन्च हुआ था 60,000 के आसपास और एक बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइसिंग में ये स्मार्टफोन अवेलेबल है। यहाँ पर आपको एक्सिनोस 2200 वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि सैमसंग की एक फ्लैगशिप सीरीज वाला प्रोसेसर है। देखो एक्सिनोस सुन के बेकार प्रोसेसर होगा ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाती है। हालांकि हार्डकोर गेमिंग यहाँ पर भी आप नहीं कर पाएंगे, एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। ये स्मार्टफोन भी एक मिड साइज स्मार्टफोन है, जहाँ पर 6.4 इंचेस के एक एमोलेड पैनल मिलती है, 4500mAh की बैटरी मिल जाएगी। बात करूं कैमरे की तो 50+12+8 मेगापिक्सल का यहाँ पर ट्रिपल कैमरा, फ्रंट में 10 मेगापिक्सल का सेल्फी जीटर मिलता है। यहाँ पर आप मैक्सिमम 8K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और सैमसंग का स्मार्टफोन है, रिसेंटली लॉन्च हुआ था, तो यहाँ पर कैमरे की क्वालिटी, कैमरे का ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही जबरदस्त लेवल का मिलता है। उसके साथ से जो S24 सीरीज में आने वाले AI फीचर्स है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। IP68 का सर्टिफिकेशन है। बात करो प्राइसिंग की तो 8+120GB रोम वाला वेरियंट आपको करंटली 29,999 मिल जाता है, इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 27,999 में अवेलेबल है।